HBN न्यूज, जो सच वही खबर। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में काला डुमरिया मैदान के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JP नड्डा ने विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार भगत के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। उन्हें संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुई है। उन्होंने उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ गैस सिलेंडर देने की बात की और किसान बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 78,000 करोड़ देने की बात कही। साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने, 3 तलाक की परंपरा को खत्म करने एवं कई योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग अंधेरे में कुछ लोगों से मिलते हैं और वोट पर डाका डालने का काम करते हैं। साथ ही कहा, राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान अपने भाषण में ऐसी बात कही जो भारत को शर्मसार करती है, महिला शक्ति का अपमान करती है, भारतीय संस्कृति का अपमान करती है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, यह चुनाव अशोक भगत की नहीं है, ना ही रघुवर दास की है, यह चुनाव झारखंड की तस्वीर बदलने की है। गोड्डा झारखंड से मिलन भगत की रिपोर्ट। बड़ी छलांग लगा करके विकास के काम कर रहे, यही आप 2014 के पहले आप चर्चा करते थे कि UPA की सरकार में साल भर में 9 सिलेंडर मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे और ये सब्सिडी पर मिलेंगे, ये चर्चाएं होती हैं। आपने देश बदला, आपने देश का नेतृत्व बदला, आपने देश को सही नेतृत्व मोदी जी के हाथ में दिया। आज मोदी जी ने 8 करोड़ गैस के सिलेंडर हमारी भारतीय महिला शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए उनके घर तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। झारखंड भी पीछे नहीं रहा, डबल इंजन की सरकार लगाई। अगर मोदी जी ने एक चूल्हा दिया और एक गैस का सिलेंडर दिया तो रघुवर दास जी ने कहा एक सिलेंडर हमारी तरफ से भी बहनों को दिया जाता है, दो दो सिलेंडर डबल इंजन का की सरकार ने आपको दिया। इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे नेता करते रहे, बहुत से नेता किसान नेता के रूप में कहलाए और इस जीवन से चले, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने फिर चाहे सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, फिर प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो और फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, 14.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए साल का सम्मान राशि देकर लगभग 78,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये उनकी तस्वीर है, ये हमको ध्यान में रखना है। अभी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना चलाई और प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए दिए। अब किसी किसान के पास अगर 1 हेक्टेयर है तो मोदी जी का 6,000 और रघुवर जी का 5,000-11,000 मिलेगा, और किसी के पास अगर 5 हेक्टेयर है तो रघुवर दास जी का 25,000 और प्रधानमंत्री जी का 6,000-31,000 रुपए मिलेगा। यह प्रधानमंत्री जी ने किसानों की तस्वीर बदलने के लिए मोदी जी ने रघुवर दास जी के साथ मिलकर इस योजना को आपके आगे लाया। लाखों किसानों के खातों में यह पैसा पहुंचा, परिवर्तन आया। आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें, कभी सोचा था 10.74 करोड़ परिवार, 55 करोड़ लोग, 1.25 अरब की जनसंख्या पर, 1.30 अरब जनता में 55 करोड़ लोग यानी 40% लोगों को 5,00,000 रुपए का सालाना स्वास्थ्य के लिए योजना के लिए स्वास्थ्य के उनके स्वास्थ्य के लिए 5,00,000 रुपए प्रति परिवार दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था की गई 5,00,000 रुपए लगभग। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे पर, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक,
गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है HBN न्यूज पर।